रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज जो मैं आप लोगों को साधना बताने जा रहा हूँ, ये आपका दिन भर लेगा, मतलब एक दिन में आपको 3 बार साधना करना है। साधना है शक्ति संतुलन साधना। इसमें जो 3 मुख्य शक्तियाँ हैं, मतलब शून्य, महादेव, भैरव और काली, तीनों का 3 बार पूजा होता है। सबसे पहले सुबह उठ करके महादेव की पूजा होती है, महाशून्य की पूजा होती है। इसके लिए आपको क्या व्यवस्था करना है, एक पंचमुखी रुद्राक्ष नया रखेंगे और आटा रखेंगे गूंद कर, ठीक है। आटा से हर रोज़ 9 दिन तक, देखो जो महादेव की पूजा होगी वो 12 बजे से पहले होगी, जो माँ भगवती काली की पूजा होगी वो 12 से 3 बजे के बीच में होगी, और जो भैरव जी की पूजा होगी वो 11 से 1 बजे के बीच में होगी। कहने का तात्पर्य है कि पूजा का जो समाप्ति का समय होगा वो मध्य रात्रि के बाद होगा। तो जो पहली पूजा होगी वो महादेव की होगी। महादेव की पूजा में क्या करना है, आटा से योनि बना लेना है, जो शिवलिंग के नीचे योनि बनता है, और उसका मुख जो है वो नॉर्थ की तरफ रखेंगे हम। उसके ऊपर शिवलिंग के रूप में हम रुद्राक्ष को रख देंगे, ठीक है, वो हमारा महादेव हो गए। अच्छा, ये पूरा जो तीनों पूजा होगा ये एक चौकी पर होगा, तो एक चौकी रखिएगा लकड़ी की, या छोटा स्टूल रखिएगा या एक लकड़ी का पटरा रखिएगा, इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दीजिएगा और उसके ऊपर ये पूजा करना है। तीनों एक स्थान पर पूजा होगा। तो पहला जो स्थापना होगा वो होगा महादेव का, ठीक है। महादेव का के लिए आटा का योनि बनाया, उसके ऊपर रुद्राक्ष डाला, महादेव को धूप दीप नवेद पुष्प गंध दे दिया, ठीक है। कुछ भी लिक्विड मत दीजिएगा वरना वो बह जाएगा, और हर रोज़ उस आटे की योनि को आप बदलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो मंत्र है वो आपको 51 माला करना है, बहुत ही छोटा मंत्र है। ऐसे हम लोग महादेव के लिए हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र से जाप करते हैं। मैंने उसमें आप लोगों को बीज जोड़ के ओम हौंग नमः शिवाय भी बताया है, वो शिव का सही मंत्र है। परंतु हम लोग जब तीनों शक्तियों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जब तीनों वायु को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तीनों गुण को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, वैसी स्थिति में हम लोग कालाग्नि रुद्र का आवाहन करते हैं, और उनका मंत्र होता है ओम ह्रीम नमः। क्या होता है, ओम ह्रीम नमः, फिर से सुनिए, ओम ह्रीम नमः। तो जो ओम ह्रीम नमः महादेव का मंत्र है वो आपको मेंटल पीस देता है, ठीक है। 3 संरचना है हमारे शरीर में, 3 भाग है, एक हमारा माइंड है, एक हमारा बॉडी है, और एक हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ओम ह्रीम नमः कहने से आपका मेंटल बॉडी बैलेंस्ड होता है। 51 माला सिर्फ जाप करेंगे और अंत में 9 योनि को पानी में प्रवाहित कर देंगे। फिर दूसरा जो पूजा हम लोग करेंगे वो दोपहर में करेंगे, और दोपहर का पूजा होगा माँ भगवती आद्या के लिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसमें भगवती का एक यंत्र बनाना है। एक मुट्ठी चावल लेंगे और उससे एक गोलाकार बनाएंगे, फिर उसी चावल से उस गोलाकार को पूर्ण रूप से भर देंगे। ये जो आपने शिवलिंग रखा है उसके बाएं तरफ रखेंगे, ठीक है, मतलब शिवलिंग के बाएं, आपके बाएं नहीं, शिवलिंग के बाएं, मतलब आपके दाहिने तरफ, दाहिने हाथ की तरफ ये आप यंत्र बनाएंगे। तो पहले उसको चावल से भर लें और उसके बाद ऊर्ध्वमुखी, मतलब ऊपर मुख वाला एक त्रिशूल सिंदूर से बनाएं, ठीक है। जहाँ पर ये यंत्र अंत हो रहा है वहाँ पर एक दीपक रखेंगे, तो ये भगवती का यंत्र तैयार हो जाएगा। यंत्र तैयार होने के बाद इसके ऊपर एक पुष्प रखेंगे, पुष्प ऐसे रखेंगे कि त्रिशूल आपका खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद ये पूजा 12 से 3 के बीच में करेंगे, और
जब भी इस पूजा को करेंगे तो बिल्कुल अकेले में करेंगे, मतलब उस जगह उस पूजा स्थान पर किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो धूप दीप नवेद गंध जो भी है आपने दे दिया, उसके बाद जो मंत्र है उसका 51 माला करेंगे। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम कट विकट घोर रूपिणी स्वाहा। ओम कट विकट घोर रूपिणी स्वाहा। फिर से मंत्र सुनिए, ओम कट विकट घोर रूपिणी स्वाहा। ये आपके फिजिकल बॉडी के लिए है। इस मंत्र को करने से आपका फिजिकल बॉडी बैलेंस होता है और उस पे किसी भी अन्य शक्ति का प्रभाव नहीं होता है, किसी भी अन्य शक्ति स्रोत का प्रभाव नहीं होता। देखो, मैंने पहले भी बोला है कि जब भी शक्तियों को बैलेंस करना होगा या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना होगा, तो फिर हमेशा आपको मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों चीज़ों को बैलेंस करना होता है, जिसको हम लोग और भाषा में गुण कहते हैं। तो महामाया का काम है माया। माया का मतलब क्या है? माया का मतलब होता है जो चारों तरफ मटेरियल फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी को अगर मैनेज करना है तो ये साधना 51 माला आपको करना है। अंत में जो भी चावल होगा उसको निकाल करके उसको पानी में विसर्जित कर देना है। तीसरा जो हमारे हैं वो है स्पिरिचुअल बॉडी पे। देखो, जब हम स्पिरिचुअल बॉडी की बात करते हैं तो ये समझ लो कि स्पिरिचुअल बॉडी मेंटल और फिजिकल बॉडी से ऊपर होता है और हर तरह की चीज़ों को ये आप तक लाता है। आप स्पिरिचुअली जितना स्ट्रांग होंगे, मैनिफेस्टेशन उतना ही स्ट्रांग होगा। तो भैरव, रुद्र भैरव का मंत्र इसके लिए हम लोग करते हैं। तो रुद्र भैरव का मंत्र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो हमने शिवलिंग रखा है उसके दाहिने तरफ, मतलब आपके बाएं तरफ एक दीपक जलाएंगे। अभी लॉकडाउन है, ऐसे चौमुखी दीपक उत्तम होता है। एक मुखी दीपक भी रख सकते हैं, चमेली तिल सरसों का तेल, ये तीनों आप दे सकते हैं। भगवती में सिर्फ घी का तेल चलता है या फिर पीले सरसों का तेल, इसमें ये तीनों तेल या तीनों मिला के भी आप दे सकते हैं और भैरव जी के नाम पर आप इसको जलाएंगे। ठीक है, इसको जलाने के बाद भैरव जी का आवाहन करेंगे। ठीक है, भैरव जी का आवाहन किस मंत्र से करेंगे? भैरव जी का आवाहन मंत्र होगा ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म ब्रह्म तीन बार बोलेंगे, सिर्फ तीन बार। जाप नहीं करना है इस मंत्र का, तीन बार बोल करके और उसके बाद आप जो मूल मंत्र है उसका 51 माला करेंगे। क्या है मूल मंत्र? मंत्र रहेगा ओम नमो भगवते रुद्राय आगच्छ आगच्छ धनु धनु परमंत्राण आकर्षय आकर्षय स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम नमो भगवते रुद्राय आगच्छ आगच्छ धनु धनु परमंत्राण आकर्षय आकर्षय स्वाहा। इस मंत्र का 51 माला करना है। एक चीज़ बस इस पूरे विधान में ध्यान रखना है कि इस मंत्र का जब आप 51वां माला कर रहे हों तो समय 12 बजे से ज़्यादा हो रहा हो, यानी मध्य रात्रि जब पार हो जाए तो फिर इस मंत्र को करना है। 9 दिन करने के बाद, जो करेगा तीनों करेगा नहीं तो नहीं करेगा, 9 दिन करने के बाद आप लोग खुद को स्पिरिचुअली मेंटली और फिजिकली तीनों बहुत ही स्ट्रांग पाइएगा। जो इस साधना को साल में एक बार, हम लोग तो 3 महीने में एक बार करते हैं इस साधना को, जो ऐसा करता है उस पर किसी भी तरीके का एनर्जी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। एनर्जी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ने से तात्पर्य है कि ना उस पर काला जादू का असर होता है, ना ग्रह दोषों का असर होता है। ठीक है, और उसका मटेरियल लाइफ और फिजिकल लाइफ बहुत अच्छा चलता है। तो ये आप 9 दिन की साधना करें, अंतिम दिन सारे सामग्री को विसर्जित करते जल में। इसमें कोई भी हवन या मार्जन नहीं होगा, बस इतना ही करना है, आपको खुद को साध लेना है। अंत में अंतिम दिन सिर्फ 7 आहुति देना है, ओम लंग महेंद्राय नमः स्वाहा बोल करके घी में। ठीक है, बाकी हवन अगर इच्छा तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। त्रिशक्ति आप लोगों को बहुत सारा विद्या बुद्धि और धन दे, ऐसी मेरी कामना है। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। धन्यवाद।
डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ @cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.agortantrahasya.xyz है, उस पर आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश, आदेश।